हे गाइस, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये स्लेट पेंसिल तो खाते होंगे और ज़रूर खाते होंगे, हर दिन खाते होंगे। तो अगर आप लोग इस स्लेट पेंसिल को खाते हो तो कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आप लोग वो गलतियाँ करते हो, इसको खाते हो और वो गलतियाँ करते हो, तो आपकी ना जान तक खतरे में आ सकती है। मैं आपको जो भी गलतियाँ बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों ने वो गलतियाँ की है और बहुत सारे लोगों की इससे जान भी गई है और बहुत लोगों को इससे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम भी हुई है। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनना मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और वीडियोज इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कि वो क्या गलतियां हैं जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी स्लेट पेंसिल खाते हैं वो लोग एक गलती ना जरूर करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि इसको डेली तो खाएंगे ही खाएंगे, और कुछ लोग ना इसको बहुत सारा खाते हैं, एक साथ में ही खा लेंगे। इसको खाने के बाद क्या होता है कि सीधे इसको खाते हैं और इसको अंदर निगल देते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट ही पानी पीते हैं। कुछ लोग खाते खाते पानी पीते हैं, उससे क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ क्या हुआ है कि जो सांस की नली है ना, उसमें ना जो ये स्लेट पेंसिल है वो चला गया है। कुछ लोगों की उससे मौत भी हुई और कुछ लोगों की हालत भी खराब हो गई थी, अचानक से उनको सांस में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों को जो गले में सांस की नली होती है ना, उसमें ना इन्फेक्शन हुआ है, वो इससे अब खांसी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत टाइम पहले से ही ये दिक्कत उनको हो रही है। मैं आपको ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल पर ऐसी स्टोरीज भी देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि लोगों को इससे सांस की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी जो सांस लेने वाली नली है वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। और जो मेन गलती है जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, और आप लोग भी यही करते होंगे, जब कुछ लोगों को इसको खाने से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग ना इसको खाते हैं और उसके बाद उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनको पेट में दर्द होने लग जाती है या उनकी हालत ख़राब होने लग जाती है, तो वो पेन किलर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसको खाते हो तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ इसके बाद ना पेन किलर मत लीजिए, क्योंकि जब आप लोग पेन किलर लोगे वो जो पेन किलर होती है ना वो आपकी दर्द छुपा देगी, उसको ठीक नहीं करेगी। जो पेन किलर होती है वो आपकी सिर्फ दर्द छुपा देती है, वो दर्द वैसी की वैसी रहती है लेकिन आपको महसूस नहीं होती है। तो जब आप लोग पेन किलर लोगे तो आपको वो दर्द महसूस नहीं होगी, बेशक आपको वो प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको महसूस नहीं होगी और दर्द वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे करके ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्लेट पेंसिल खाएंगे, प्रॉब्लम हुई उसके बाद फिर सीधे पेन किलर ले लेंगे और फिर जब दर्द ठीक हो जाएगी फिर उसके बाद स्लेट पेंसिल खाने लग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग ना एक बार हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से बात कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेन किलर लेते हैं जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम छोटी सी होती है, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है और जब वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस होती है ना तो उसका इलाज भी नहीं हो पाता है और बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से अपनी जान गंवाई है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाना, उनको ये प्रॉब्लम बताना और उनको ये भी बताना कि आपको ये प्रॉब्लम कब से हो रही है, कैसे हो रही है, सब कुछ बता देना। तो वो आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपकी वो प्रॉब्लम जो है ना, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सारी ठीक हो सकती है। अगर आप डॉक्टर से बात ही नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं ना उनको सब कुछ पता होता है कि इसको खाने से क्या होगा और क्या क्या सिम्टम होते हैं उस प्रॉब्लम के जो आप लोगों को हो रही है, उस हिसाब से फिर आपके वो टेस्ट करवाते हैं और आपको मेडिसिन देते हैं जिसको खाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरा कहना आप लोगों के लिए बस यही है कि प्लीज़ इसको खाने के बाद पेन किलर मत लेना, वो आपकी ना जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं करती है, बल्कि उसको जो आपको पेन हो रही होती है उसको छुपा देती है और उसके बाद आपको सिर्फ दर्द महसूस नहीं होती, वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती है। जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना उस वक्त वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, जिससे ना बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि प्लीज़ ना ही इसको खाओ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से बात कर लेना, आपकी प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो ये थी कुछ गलतियाँ जो बहुत सारे लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, आप लोग भी यही गलती करते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो लोग इसको खाते हैं और जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, लोग पेन किलर लेते हैं जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसको खाने के बाद पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो और नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और वीडियोज इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दो और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो।
और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आप लोग भी ये गलतियां करते हो, क्या आप लोगों को इन गलतियों की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।